हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो आज मैं अपने हल्दी के प्लांट से फाइनली हल्दी हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे हल्दी के सारे पत्ते थे वो बिल्कुल ही अपने आप पीले पड़ के झुक गए थे और गिरने लगे थे, जिससे कि एक एग्जांपल के मैंने ये छोड़ा था, बाकी सबको मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब मैं आज इनको हार्वेस्ट करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इस पर इसकी सफाई कर देते हैं, जो इतनी सारी वीड्स निकल आई हैं इनको रिमूव कर देते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसका लुक आता है। तो मैंने फाइनली सारी वीड्स साफ कर दी है। तो जब आपको हल्दी का प्लांट हल्दी के प्लांट में से हल्दी हार्वेस्ट करनी है, तो पहले उस पर आप सारी वीड्स को हटा दीजिए, और उसके बाद आप जो उसके पत्ते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग को जो उसके ऊपर सारे पत्ते ग्रो करे हुए हैं उनको रिमूव कर देना है। जैसे देखिए ये वाला पत्ता है, उसको ऐसे काट देना है। उसके बाद इस तरीके से पूरे को क्लियर कर देना है, और ऊपर के पत्ते में पहले ही काट चुका था पर आपको दिखाने के लिए मैंने एक पत्ता छोड़ दिया था, तो उसको काट देना है। अब हम इसमें से फाइनली हल्दी को निकालेंगे। इसे पहले इसको काट दूँ। तो मैं हल्दी को निकालने के लिए इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोग पॉट को ही पलट सकते हैं, पर जो ये प्लास्टिक का पॉट है, इसको ये जो टब है इसको पलटने में टूट सकता है, इसलिए मैं इसको पलटूंगा नहीं और इसी तरीके से निकालूंगा। अगर आपने थैली में या बोरे में लगाया तो आप उसको पूरा पलट के निकाल सकते हैं, उससे आपको और इजीली निकल आएगी हल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वो हल्दी है जिसको मैंने लगाया था, और अब मैं इसमें से देखता हूँ कि कितनी हल्दी बनी है। ये देखिए, तो ये कच्ची हल्दी जिसे अदरक होती है उस तरीके से है। तो अब इसको मैं निकालता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरी हल्दियाँ निकल रही हैं धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि फाइनली हल्दी के पॉट में से मैं पूरी मिट्टी को पलटने जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब इसको धीरे से मैं पलट रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो ये देखिए कि ये पूरा पॉट कितने अच्छे से रूट बाउंड हो चुका है, और इसमें कितनी हल्दी लगी है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये देखिए सब हल्दी थी जो तैयार हो रही थी, और ये देखिए पूरे सर्कल पे लगी है। अब मैं पहले जल्दी जल्दी इन सबको साफ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब मैंने इसको तोड़ना स्टार्ट किया है, और अब मैं इसको धीरे धीरे तोड़ता जाऊँगा और देखते जाऊँगा कि इसमें कैसे हल्दी के अंदर ग्रोथ हुई है। ओके, मुझे तो यहाँ पे कुछ है। तो इसको तो ये देखिए फाइनली मुझे अपने हल्दी का जो मेन बहुत बड़ा सा पार्ट ही दिखने स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने देखिए ये हल्दी लगाई थी जो मैंने अभी आपको शुरुआत में तोड़ के दिखाई थी। तो इतनी छोटी सी हल्दी से आप देखिए मैंने कितनी ढेर सारी हल्दी है, 1 किलो के करीब हल्दी मैंने हार्वेस्ट की है, और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है वो नीचे भी सारी। और फ्रेंड्स, एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पॉट्स के नीचे की तरफ ये जो इस तरीके की हल्दी है, ये भी मतलब पूरे तरीके से तैयार नहीं हुई है। तो इन हल्दियों को आप कंज्यूम करने के बजाय आप इनको फिर से पॉट में लगा दीजिएगा, तो आपका हल्दी का प्लांट नेक्स्ट टाइम के लिए फिर रेडी हो जाएगा। तो इनको आप यूज़ मत कीजिएगा, बल्कि आप इनको मिट्टी में लगा के नया प्लांट इनसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये जो आपके लास्ट में नीचे की तरफ है। और बाकी वो सब मुझे आज हार्वेस्ट करके बहुत खुशी हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। ये देखिए कितनी अच्छी हल्दी तैयार हुई है, और कितनी सारी हल्दी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी छोटा सा हार्वेस्ट अच्छा लगा हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ताकि आपको मेरी आगे की वीडियोज़ भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और इसकी मैंने केयर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा।